हम लोग रास्ते में रुके हुए क्योंकि हमारी बाइक का ना पेट्रोल किसी ने निकाल लिया था करने के लिए खेल रहे। मैं समझी शायद पैसों पे खेल रहे हैं, लेकिन भाई बोल रहे हैं नहीं हम लोग इंजॉय करते हैं वैसे। चले जी हम लोग रेडी हो गए और हमारी जिठानी का फोन आया था, वो कह रही थी आप लोग आ जाओ। ये तुम निकालो, मैं ही बोल रही हूं। तो तुम निकालो, क्या हो गया तुम? नहीं खुद ही निकालेगी, बड़ी बाजी निकालेंगे हमारी। ये देखिए हम लोग रास्ते में रुके हुए क्योंकि हमारी बाइक का ना पेट्रोल किसी ने निकाल लिया था, तो अब जो है ना पेट्रोल डलवाने गए हैं उसके बाबा, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या करें, लोग इतने चोर हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। अभी अभी हम लोगों ने वहाँ से डलवाया भी ये पेट्रोल, और वो पेट्रोल अभी यहाँ पर आके वो आधे में पेट्रोल ख़त्म, बिल्कुल गाड़ी ऐसे जैसे सूखी हो। इतने बदतमीज लोग हैं अभी रोड पर खड़े हुए हम लोग। देखें आपको, देखें अभी लड़के देखें खेल में लगे हुए, आपको देख इन्होंने रौनक लगाई हुई है। वैसे तो रौनक है माशाल्लाह, देखें रौनक लगी हुई है। बाबा सलाउद्दीन वाला रोड है। इंजॉय करने के लिए खेल रहे। मैं समझी शायद पैसों पे खेल रहे हैं, लेकिन भाई बोल रहे हैं नहीं हम लोग इंजॉय करते हैं वैसे। रौनक लगाई हुई हो गया, कहे थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे। और ये भाई हैं देखें जो पेट्रोल डलवा के हमारा लेकर आए। क्या नाम है आपका भाई? हसन, असद। ये भाई हैं देखें, और ये इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, बेचारे गए हैं बाइक लेकर और जाके डलवा के लेकर आए। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, सलामत रखे। ऐसे लोग दुनिया में हैं तो जब भी दुनिया चल रही है। चलें जी अब चलते हैं घर, फिर मिलते हैं। चलें जी घर पहुँच गए, शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है कि घर पहुंच गए। यकीन करें लोग ऐसे चोर हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा खासा पेट्रोल जाते हुए डलवाया, 600-700 रुपए का पेट्रोल डलवाया। हमने कहा चलो वापस भी आ जाएंगे उसमें। वहाँ बस खड़ी करके ना पट्टी कराने उधर गए, साइड पे थोड़ी खड़ी हुई थी। शुक्र है यहाँ तक आधे रास्ते पहुँचे, पेट्रोल जैसे कि किसी ने निचोड़ के निकाल लिया, इतना सा भी नहीं। भला करे अल्लाह पाक, देखे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उन बेचारे लड़कों ने यकीन करें कि हम बिल्कुल, वो फिर मैं कहने लगे कि आप नेहा के बाबा से आप रुकें भाई, हम डलवा के लाते थे। यकीन करें उनको पैसे दिए, वो गए डलवा के, वो लड़का असर डलवा के लेकर आया। अच्छे लोग भी हैं यकीन करें। बाकी पैर की मेरी हालत आपने देखी कि क्या हालत मेरे पैर की हो रही थी। बस वो तो कह रहा है निकलवा दो, इतनी बुरी हालत है, तकलीफ इतनी है। अब वो जो ब्लैक ब्लैक इसके ऊपर वो है, तो वो कह रहा है कि इसको साफ़ करने दो, उसी में तकलीफ है, उसको मैं कैसे साफ़ करने दूँ। उसको तो हाथ लगता नहीं, खाली रुई लगती तो मेरी जान निकल जाती। लेकिन घरें बहुत बुरा हाल है मेरा, दर्द ने मेरा हाल बुरा कर दिया, मुझे अंदर से निचोड़ दिया दर्द ने, इतना दर्द है इसके अंदर। जब वो सफाई करता है उस वक्त में जैसे मेरे हाथ में ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल, इतना दर्द है अंगूठे में, बहुत ज़्यादा दर्द है। वैसे तो चलो मैं मेडिसिन खा रही हूँ, कम हो जाता है दर्द, किसी वक्त बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर जब वो सफाई कर रहा होता ना तब तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मेरे ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बस अभी सफाई वफाई तो कर ली है, ये देखें सारी, थोड़ा थोड़ा करके सारा काम कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पाँव में जैसा कि आपने देखे शुरू में क्लिप देखे ना सारे, तो वो देखा मेरे पैर की क्या हालत थी। बस अल्लाह पाक करे कि मेरा पैर सही हो जाए, पैर के दर्द ने बस मेरी जान निकाली हुई है। बस जल्दी से ये नाखून निकल जाए तो फिर ये कि सारा जो है ये सही हो जाएगा। वो कह रहा है जरा, यही कह रहा था नाखून निकलेगा तो फिर ये ज़ख़म सही हो जाएगा। बस नाखून की वजह से ज़्यादा परेशानी, परेशान हुआ हुआ है, पैर में मेरे छक्के चलते हैं। अब वो शादी की दावत भी है, अब भाई के साले की शादी है, तो देखो नहीं गई तो भी बुरी बात है, वो लोग बोलेंगे कि आई नहीं है, जाना तो पड़ेगा। समझ नहीं आती है यकीन करें क्या करूँ, पैर के दर्द ने बस जान निकाली है। आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उठ के कुछ पकाऊं या करूं, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है यकीन करें, इतना मेरे पैर में दर्द है।
और देखें दुनिया में अच्छे लोग हैं, यकीन करें। मैं रात से बस उस लड़के के बारे में सोची थी कि कितना अच्छा था वो भाई, जिसने हमें एयर टाइम पर उस वक्त वहाँ पर कहा कि आप लोग खड़े हो, मैं पेट्रोल डला के लाता हूँ, डलवा के ला के दिया, यकीन करें। वरना मुझे इतना डर लग रहा था, सुनसान था और काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, काफ़ी देर हो गई थी। तो बहरहाल अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। असद भाई, उनका नाम असद था, तो बहुत अच्छा लड़का था, अल्लाह उसका ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे। अच्छे लोग हैं दुनिया में। तो बस बहरहाल आज तो मेरा कुछ भी पकाने को दिल नहीं चाह रहा, देखती हूँ उसके पापा को फ़ोन करती हूँ बाहर से ले आए, या फिर घर में कबाब वगैरह हैं वो तल लेते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ। और आज जाना था मेरी जेठानी के घर अभी तो, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरे पैर में इतना शदीद दर्द हो रहा है कि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा मेरा जाने को कि मैं जाऊँ। इतनी तकलीफ़ है, अपने घर में तो चलो बंदा लेट जाता है, उठ जाता है, बैठ जाता है, कहीं जाके तो अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन देखती हूँ अगर मेरे पैर का दर्द सही होता है तो चली जाऊँगी, नहीं तो फिर रात को ही जो है ना चक्कर लगाऊँगी। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। चले जी, हम लोग रेडी हो गए और हमारी जेठानी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी आप लोग आ जाओ, तो बस अब वहाँ चलते हैं। क्योंकि मेरा तो कोई नहीं था प्रोग्राम जाने का, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द था ना, इस वजह से ऐसी बंद करो। हाँ, तो मेरा इरादा नहीं था, मैंने कहा बस मैं नहीं जा रही, देखूँगी शाम में चक्कर लगा लूँगी। लेकिन फिर वो उन्होंने कॉल की, कहने लगी कि नहीं तुम आओ, तो बस अब जो है वहाँ जा रहे हैं, तैयार हम हो गए और चले जी अब वहाँ चलते हैं, और फिर वहाँ चल के आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये सलाद बन रहा है और अंबर बना रही मज़ेदार सलाद और रायता, ये देखें। और माशाल्लाह से, माशाल्लाह हमारी अंबर के लिए दुआ कीजिएगा, आज माशाल्लाह से अंबर की डेट फिक्स हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी आपको एंड में बताएंगे कि कौन सी डेट फिक्स हुई है, मेहमान आए हुए हैं माशाल्लाह से, रौनक लगी हुई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जुबैदाबाज के घर जाना है, यानी कि हमारी जेठ के घर, क्योंकि हमारी अंबर का जैसे कि आपको पता है ना पहले मंगनी करके आए थे, तो माशाल्लाह आज उनकी डेट लेने आए हैं उसके ससुराल वाले, तो सुबह के आए हुए हैं, मैं थोड़ी लेट हो गई थी। तो बस खाना वाना बन रहा है, इधर देखिए बिरयानी बनी है, अभी खाना निकालेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, काफ़ी रौनक लगी हुई है। और सांभर लगी हुई थी, रायता बनाने में और सलाद वगैरह, ये देखें कबाड़ा शबाड़ा लगा पड़ा है, मेहमान भी माशाल्लाह बहुत सारे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, ये देखें कबूतरों को देखें कैसे बैठे हैं, और अल्लाह पाक बच्ची के नसीब अच्छे करे, वैसे अल्लाह उसको अपने घर में खुश रखे। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है और खाना वाना तैयार हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो सुबह आ गए थे, नाश्ता वाश्ता उन्होंने कर लिया था, मैं थोड़ा लेट पहुँची थी। तो फिर आपको दिखा दें, ये देखिए भाभी का घर है, ये इन्होंने अभी कलर करवाया है और कलर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिशें हुई थी तो कलर बिल्कुल ख़राब हो गया, तो इन्होंने फिर कल से बाहर की जो दीवारें थी सारी वो दोबारा कलर करी हैं, कि हालांकि बारिशें इतनी हुई नहीं है लेकिन कलर बहुत ज़्यादा डिम हो गया, ख़राब हो गया। ये देख लें अभी तो फिर इन्हों का अभी शादी भी इनकी आ गई है तकरीबन, ये देखें। तो ये कि ज़ाहिर सी बात है करवाना तो होता है, परसों भी जब मैं आई थी जैसे कि आप लोगों ने देखा है तो कह रहे थे हमने बाहर का सारा कलर करवाना है, तो सब क्या करें कि करवाना तो होता है। अभी मेहमान भी आए हुए हैं और माशाल्लाह से आज अल्लाह करेगा डेट इसकी फिक्स हो गई अंबर की, और अल्लाह खैर करे शायद जनवरी में फिर इनकी शादी का है शाहजेब की और अंबर की दोनों की। तो आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह पाक दिन के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे अपने घरों में। और ये मेरी बेटी बैठी है और ये मेहमान आए हुए हैं, ये बाजी हमारी लेटी हुई है अंबर की सास हमारी बाजी, बाकी रौनक लगी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह आ जाओ आ जाओ भाजी, वहाँ चली जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, घर में रौनक लगी है। और सुबह से मैंने आना था पर जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत नहीं सही थी, पैर में मेरी बहुत तकलीफ थी, तो फिर इसलिए कॉलों पर कॉलें आ रही थी, भाभी भी डांट रही थी शाहजे भी चाची आ जाएँ जल्दी, तो फिर मैंने कहा चलो हमारा, तो फिर आपको बताती हूँ कि हमने कौन सी डेट रखी है इंशाल्लाह। ये तुम निकालो, मैं ही बोल रहा हूं। तो तुम निकालो, क्या हो गया तुम निकाल। नहीं नहीं खुद ही निकालेगी, बड़ी बाजी निकालेंगे हमारी, रुको। ये देखें सालन और ये बिरयानी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, और ये कबाब, ये सलाद और सालन, ये हटाना इसका ढक्कन हटाना उसका, और ये पुलाव,
चले जी अब ये लोग खाना खाते हैं। तो नहीं चाहिए, नहीं सालों वालों को खिला दो। चम्मच चम्मच देना खाने वाला, खाने वाला चम्मच दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, अल्लाह पाक बनाने वालों की भी ज़िंदगी दे और खिलाने वालों की भी। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखें एल्बम देख रहे हैं सब। ये हमारी दोनों की सास है, मेरी और मेरी और इसकी दोनों बहनें थी ना। ये मेरी सास है, ये मेरी सास है, ये रानी की सास है, लेकिन ये दोनों ही समझो हमारी। ये देखें ये लोग असल में आए हैं चलो तारीख लेने के लिए, ठीक है। तारीख लेने के लिए आए तो दूर की मत, आपको पता है कि दूर का मसला है और बार बार आया नहीं जाता, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा हम लोग जब तारीख लेने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जब शाहजेब की डेट रख दी, हाल बुक हो गया, तो उसके वली में भी हमने रुख्सत दे दी। तो वो लोग कहने लगे कि भाई अब जब जा ही रहे हैं तो हम लोग मेहंदी का सामान भी दे दें, ठीक है ना। तो वो लोग मेहंदी का सामान लेकर आए, ये देखें ये ड्राई फ्रूट भी लेकर आए साथ, और ये देखें ये सारी चूड़ियाँ वगैरह भी देखें लेकर आए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया है, ये जो भी काम इन्होंने किया काफ़ी अच्छा किया, समझदार खातून है और समझदारी से ही काम करती हैं, देखें माशाल्लाह से। ये देखें वॉच भी है, देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह नसीब करे पहनना भाई। ये देखें जैसे ये से कि आपको ये तो समझ ही गए होंगे, ये मायो की होती है उपटन वगैरह, ठीक है ना। उपटन है ना जीदा जी। और ये देखें मेहंदियाँ, ठीक है। अब एक दो नहीं लेकर आए, कंजूसी नहीं किए, माशाल्लाह आप लोग देख लें, दिल खोल के उसने जो भी काम किया अच्छा किया, बेहतरीन किया, बहुत अच्छा किया। सूट थोड़ा ऊपर करो बेटा, आप अपने ना मुँह के आगे कर लो ताकि आपका मुँह ना आए, हाँ ऐसे मुँह ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से, ये देखो समझदार खातून ने काम अच्छा करती है माशाल्लाह से। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, देख रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ें सारी माशाल्लाह ही साथ लेकर आई हैं, ठीक है। कैर डेट फिक्स का सामान है, मायों का भी, हाँ तो बस ठीक है और क्या है। हाँ हाँ मिठाई का डब्बा है, टोकरा है, टोकरा। अच्छा एक ये मायो का सामान ये लोग लेकर आए हैं, तो बस अब ठीक है। मायो मेहंदी भी दूर का मामला है, ठीक है ना। अच्छा ये अभी मेहंदी का सामान नहीं आया है, मेरी बात सुनो, ये मेहंदी का है ना। हाँ हो गया हो गया, तो ये सूट मेहंदी का हो गया ना, तो बेटा फिर दोबारा हो गए देने। अच्छा चले चले ठीक है ठीक है। इनका कहने का मकसद है कि ये हम लोग लेकर आए डेट फिक्स किए ना, तो ये सूट और ये चीज़ें मतलब आ गई, लेकिन मेहंदी का सूट नहीं लेकर आए। वो कह रहे फिर हम चाहे वो किसी तरह भी पहुंचा देंगे, ठीक है ना। बाकी माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं और बहुत अच्छा किया है। इतनी दूर से आए वो लोग डेट के लिए, क्योंकि हमें डेट दो, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जनवरी की 10 तारीख है ना बाजी, बाजी बाजी जनवरी की 10 तारीख रखी है ना, जनवरी की 10 तारीख को माशाल्लाह से अंबर की डेट फिक्स हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे, और बहुत बहुत यकीन करें दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। और आप यकीन जाने कि इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो है ना मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि लड़का बहुत प्यारा है, फैमिली बहुत प्यारी, बहुत अच्छे लोग हैं, और दोनों जो है बहुत प्यारी जोड़ी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था पहले दोनों, ठीक है ना। तो ये है कि आगे फिर आपको दिखाने जा रहे हैं, और अंधेरा हो रहा, लाइट गई हुई है, ये देखें दिख रहे हैं लाइट गई हुई, जा रहे हैं मेहमान, उस कार में भी हैं, इस रक्शे में भी हैं सारे, ये देखें।
साहब जा रहे हैं। चले भाई, अल्लाह हाफिज़।